नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने 100 दिन में सरकार द्वारा 101 काम करने के दावे पर कसा तंज और कहा कि सरकार ने 101 काम नहीं बल्कि 100 दिन में 101 बार झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और जेजेपी पर अपना वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। अभय सिंह चौटाला आज सिरसा में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग के सीएस मानते हैं कि घोटाला हुआ है जबकि सरकार नहीं मान रही। उन्होंने कहा घोटाले पर पर्दा डालने के लिए सरकार एसीएस का तबादला भी कर सकती है। सरकार की इस घोटाले की सीबीआई से जांच करने की मांग की। एसवाईएल पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि पंजाब सरकार सर्वदलीय बैठक बुला चुकी है जबकि सरकार विपक्ष की मांग के बावजूद अभी तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई है। अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि अगर आज सरकार के किसी भी विभाग की जांच करवाई जाए तो भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। सरकार 100 दिन में 100 काम तो गिनाए तो अच्छी लगी। 101 का मतलब 101 झूठ बोली है। काम तो धरातल पे अगर सरकार करेगी तो फिर आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से उसकी जानकारी 100% मिले ही मिलेगी। हमने जो पहला सेशन था सरकार बनने के बाद धान घोटाले को लेकर के मुख्यमंत्री से मांग करी थी कि किसान का जो पैसा 250 से 300 रुपये क्विंटल का लिया जाता है नमी के नाम पे, वो पैसा किस खाते में जा रहा है सरकार बताए। उन्होंने उसकी जांच तो नहीं करी जो हजारों करोड़ किसान का डकार गया। मिल मालिकों से कैसे पैसा एंठा जाए इसके लिए उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू करा दी और सरकार ने उस भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने के लिए, मंत्री तो कहता है कि कोई घोटाला नहीं है और जो एसीएस है उनका वो कहता है कि बड़ा घोटाला हुआ है। अब मुझे लगता है कि इस घोटाले को पर्दा डालने के लिए एसीएस को ये ट्रांसफर करेंगे। किसी दिन भी आदेश आ सकता है एसीएस वाला। इस 100 दिन के अंदर लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात हुआ है। भाजपा ने जो वायदे लोगों के साथ किए थे उनमें से एक भी आज तक पूरा नहीं हुआ। ना भाजपा ने अपना कोई वायदा पूरा किया ना जो इस ठगबंधन के सहयोगी हैं उन्होंने कोई वायदा पूरा किया। वो तो भाषा भी आजकल ऐसी बोलते हैं जैसे ये भाजपा के जजपा के नहीं है। मैंने अभी दिल्ली की सभाओं में जो भाषण दे के आया वो सुने थे। अब तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। मैंने आपसे एक दिन इस बात की चर्चा करी थी कि ये जजपा जो है भाजपा में शामिल हो जाएगी और मुझे लगता है वो समय नज़दीक आना शुरू हो गया, जल्दी शामिल होगी। बड़ी अच्छी बात है, हमें मौका मिलेगा सरकार को बताने का कि जो बजट में पैसा है उसको अपनी जेब में डालने के बजाय लोगों पे खर्च करना सीखो। ये तो लोगों पे खर्च करने की बजाय योजना बनाते हैं कि कैसे वो पैसा इनकी जेब में आ जाए। किसी भी डिपार्टमेंट की आज इंक्वायरी हो जाए 100% इनके हर मंत्री के ऊपर इस बात का चार्ज लग जाएगा कि इसने भ्रष्टाचार किया है। हमने धान घोटाले की बात बहुत दफा उठाई है, मुख्यमंत्री से विधानसभा में कहेंगे कि अगर घोटाला नहीं हुआ है तो आप इसकी सीबीआई से जांच करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता तो लगे कम से कम कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई अधिकारी आकर के आपको कहे नहीं हुआ, कोई मंत्री आकर के कहे नहीं हुआ,
उससे कोई प्रदेश के लोग थोड़े सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इनकी जेब से पैसा लूटा है लिया है उसकी तो तकलीफ है उसको। तो एसीएस जो है, जो एसीएस है उनका, उसने जो स्टेटमेंट दी है क्या वो गलत है? फिर अगर वो गलत स्टेटमेंट देता तो उसके खिलाफ इंक्वायरी करो, उसके खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। एक अधिकारी सेक्रेटरी रैंक का, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक का अफसर अगर ये कहता है कि घोटाला हुआ है और आप उसको क्लीन चिट दे रहे हो कि नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब उसने गलत स्टेटमेंट दी है, सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, उस बहाने से इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये मामला दबाया जा सके। हम इसकी डिमांड करेंगे कि इसकी जांच हर हालत में सीबीआई से करवाई जाए। अगर ये नहीं कराएंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, पीएल डालेंगे, हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि किसान को लूट लिया, व्यापारी को परेशान कर दिया, उसकी जेब पे डाके डाल लिए। सबूत देंगे हम इस बात के कोर्ट को कि हमारे पास ये सबूत है, आप इसकी जांच कराओ। चोरी भी सीना चोरी भी दोनों चीज़ हैं। आप धान धान घोटाले की बात करते हो, अभी थोड़े दिन में देखना, आज ही जाओ ये गैस की एजेंसी जो खोले बैठे इनसे पूछ लो, 15-15 हज़ार रुपये इनसे भी वसूलना शुरू हो गया महीने का। शराब की जो फैक्ट्रियों वाले हैं उन पे जाके पूछो, 50 रुपये पेटी ली जाती है। आपने 100 दिन में देखा नहीं? पंजाब में तो सर्वदलीय बैठक भी होगी, पंजाब ने फैसला भी कर लिया, पंजाब ने कह भी दिया कि हमारे पास एक्सेस वाटर नहीं है, हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। इन्होंने बैठक क्यों नहीं बुलाई? क्यों नहीं इस बात का विरोध किया? केवल ये कह करके टलते हैं कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है। किसी कोर्ट में कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है। कोर्ट ने तो ये कहा है बारी बारी कि तुम इस पर फैसला करो, तुम इस पर फैसला करो। कोर्ट ने कौन सी डेट लगा रखी है इस पर? कोर्ट ने कब ये कहा है कि भी हम फैसला सुनाएंगे? वो तो कहते हैं हमने जो फैसला दिया उसको लागू करो। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है।